जितने भी AEPS संचालक हैं या बैंक BC संचालक है, अब सभी का ID बंद होगा। और मैं ये दावा क्यों कर रहा हूं कि आप सभी को इस वीडियो में पता चल जाएगा सरकार का क्या नीति है। सरकार कभी रूल बनाता है कभी तोड़ता है, रूल बनाता है कभी तोड़ता है, और हम सब BC, हम सब AEPS संचालक उसको यस सर नो सर करते रहते हैं। तो आइए इस वीडियो में आपको पूरा पता चलेगा कि हम सब क्यों ID को नहीं चलाएंगे और ID क्यों हमारा बंद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुंदन कुमार है और आप सभी को माई टेक सपोर्ट चैनल में स्वागत है। जैसा कि AEPS सर्विस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम NPCI के तहत चलाया जा रहा था, जिससे कि काफी माताएं वृद्ध लोगों को फायदा हो रहा था। और कैसे हो रहा था, जो भी वृद्धा पेंशन लोग लेते थे, काफी बुजुर्ग लोग थे, तो हम सभी BCA संचालक AEPS संचालक उनके घर घर पे जाकर सर्विस प्रोवाइड करते थे। उसमें भी एक समस्या था सर्वर एरर का, जिसके कारण सभी लोग का पैसा फंस जाता था। उसके कारण हम सभी लोग गाली गलौज तक भी सुनते थे, वो भी बर्दाश्त है। लेकिन अब जो बैंक ने एक ऐसा रूल बना दिया है, जिसके कारण मैं कहूंगा कि अब कोई भी AEPS का काम नहीं करेगा, बैंक BC का काम नहीं करेगा उसका। अब आप यहां देख लो कि कैनरा बैंक की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कैश डिपोजिट, कैश विड्रॉवल, फंड ट्रांसफर डन थाउज अदर बैंक BC। अगर कोई अदर बैंक BC से इसका ट्रांजेक्शन करता है या AEPS से ट्रांजेक्शन करता है, तो उनको पर ट्रांजेक्शन पे जो ग्राहक होंगे उनका ₹30 और प्लस GST कटेगा। अब आप बताओ कि हम लोग ₹5, ₹6, ₹10 तक मैक्सिमम कमीशन मिलता है, उसमें भी हम लोग बर्दाश्त करके काम कर रहे थे, लेकिन किसी भी कस्टमर का ₹30, ₹35 कट जाएगा प्रत्येक ट्रांजेक्शन में, तो क्या वो आपके पास आएंगे? एकदम नहीं आएंगे। उसके साथ साथ आप ये देखो कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में अगर मिनी स्टेटमेंट भी किसी का चेक करते हैं, कोई ग्राहक आता है कि हमारा पासबुक, हमारा खाता चेक कर दीजिए कि हमारे अकाउंट में कितना फंड है, कितना पैसा है, अगर वो भी चेक करते हैं, तो आपको ₹6 प्लस GST यानी कि ₹7, ₹8, ₹10 तक उनका कट जाएगा, तो वो क्यों आपके पास आएंगे? एकदम नहीं आएंगे। उसके यहाँ पर ये देखिए कि अगर जो कैनरा बैंक का भी BC है, वो भी अगर 4 बार से अधिक, यानी 5वां बार तो उनका फ्री में ट्रांजेक्शन हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं कटेगा, लेकिन अगर 5वां बार वो ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनको भी ₹25 प्लस GST चार्ज देना पड़ेगा। उसके साथ साथ मिनी स्टेटमेंट में तो कोई चार्ज नहीं लग रहा है। अब आप सब ये बताओ कि अगर किसी भी कस्टमर का कोई चार्ज कटेगा, उनका बैंक से पैसा कट जाएगा ₹30, ₹35, तो क्या वो आपके पास आएंगे? अगर आता भी है तो आप उनका काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके मन में एक डर होगा कि अगर इनका पैसा कट जाएगा तो ये कस्टमर हमारे पास फिर दूसरे भी काम को करने के लिए नहीं आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने क्यों बताया कि जितने भी AEPS संचालक या बैंक BC संचालक है उनका ID बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, तो ये इंफॉर्मेशन आप सभी को अच्छा नहीं लगा होगा। अब मैं भी NPCI को धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद।